खड़गे ने संभाली कांग्रेस की कमान, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर संभाली जिम्मेदारी, ताजपोशी के बाद दिया पहला संबोधन, राहुल गांधी के लिए क्या बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस पार्टी 137 वर्षों से लोगों के जीवन का हिस्सा है। हमारे अच्छे काम के बावजूद, हमारे नेताओं के त्याग के बावजूद मतदाता हमसे कुछ रूठ गए हैं। मैं राहुल गांधी जी की आभार मानता हूं जिन्होंने इस बात को समझा और हर मुश्किल को दरकिनार करते हुए वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं, उनके दुख और दर्द को सुनकर वो हर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो एनजीओ हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, जर्नलिस्ट हो, किसान हो, मजदूर हो, बच्चे हो, सभी के साथ रास्ते पे मिलते हैं, उनके पूछते हैं, फिर जब इंटरवल होता है उस वक्त उनसे संवाद भी करते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पार्टी के लिए है और यही बड़ी देन हमारे लिए है, खासकर मेरे लिए है। कन्याकुमारी से कश्मीर की इस भारत जोड़े यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है, इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये मेरा दायित्व है, इस दायित्व को पूरा करने में मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके साथ काम करने के लिए इस विषय में तैयार हूं। मैं नीचे से काम करते हुए आया हूं, एक प्राइमरी मेंबर्स, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, काम करते करते इस पार्टी को जुड़ा हूं और आपके बीच इस पद पर आकर आज पहुंचा हूं। मैंने खुद हर वर्ष मुश्किल का सामना किया जिसका सामना आम कार्यकर्ता और पार्टी के नेता करते हैं। पार्टी में काम करते हुए जो चुनौतियां आती हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो आशा और निराशा से आप गुजरते हैं, मैं उनसे वाकिफ हूं। इसीलिए मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हम साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। आइए हम कांग्रेस की उस विचारधारा को लोगों में लेकर चले जिसे राहुल जी ने अपने कार्यकाल में एक नई धार दी है। हम जानते हैं कि इस देश में करोड़ों युवा जो भारत को धर्म, जाति, जेंडर के बंटवारे से ऊपर देखना चाहते हैं, जो भारत में शांति चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, वैज्ञानिक सोच चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, ये युवा ही देश की और कांग्रेस की उम्मीद है।